सभी दोस्तों चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, समझ आ सके कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है समझने में, क्या डाउट है, इसलिए कमेंट किया करो कमेंट सेक्शन में। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं आज से। क्वेश्चन हमारे शुरू हैं, पहला क्वेश्चन हमारा कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 40 एंड देयर डिफरेंस इज 4, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर्स। तो सम ऑफ टू नंबर्स, सम ऑफ टू नंबर्स, टू नंबर्स यानी ये एक कोई नंबर है दूसरा कोई नंबर है, सम मतलब प्लस है, वो कितना है 40 है। डिफरेंस ऑफ टू नंबर यानी कि यह कोई नंबर्स हैं दो, उनका डिफरेंस 4 हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, इन दो नंबर्स को ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया। अच्छा ऐसा किया, अब जरा गौर से देखेंगे तो हम इसको ऐड कर सकते हैं, जब ऐड करेंगे तो बी से बी कट जाएगा, कट जाएगा ना, ऐड करने पे ये पूरा कट जाएगा और ए कितना हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा, हो गया। और 40 और 4 44 हो गया, a इक्वल्स टू 44 अपॉन 2 हुआ, यानी कि 22 आ गया। अब मैं क्या करूँगा, किसी भी एक क्वेश्चन पुट कर दो तो मुझे ये आसान लग रहा है कि इसे क्वेश्चन पुट कर देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 20 a की जगह पुट करना है, इसलिए 22 माइनस का b इक्वल्स टू 4 कर दूँगा, तो b इक्वल्स टू 4 उधर जाएगा, ये 4 माइनस का 22 हो जाएगा, माइनस का b है यानी माइनस का b इक्वल टू माइनस 18 आ जाएगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, b इक्वल टू 18 आ जाएगा आंसर। अभी इन्होंने रेशियो बनाने को बोला था, तो हम क्या करेंगे कि a रेशियो b को जब मैं रखूँगा, यानी कि कितना 22 और 18 को रखूँगा, काटूँगा इसे, तो ये अपना 11 और 9 हो जाएगा, 9 इधर, ठीक है, 11 9 हो गया, 11 रेशियो 9 हो गया, ये आंसर हो जाएगा। नोट कर लो इसे। अगला क्वेश्चन करेंगे। स्मॉलेस्ट इंटीजर विच इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द टू नंबर्स, सिक्स रेशियो 7 गिव्स द रेशियो लेस देन 1621। तो क्या कह रहे हैं कि 6:7 हमारे पास गिवन था, 6:7 हमारे पास गिवन था, और उसमें से मैंने कोई स्मॉलेस्ट जो नंबर है उसको जब माइनस किया, माइनस करने के बाद हमारे पास एक नया रेशियो मिल गया, जो रेशियो था हमारा 16:21, ये मिल गया हमें, यही तो बोला है। तो 6:7 से क्या करूँगा, मैं माइनस कर लूँगा, 6:7 से क्या कर लूँगा, माइनस करूँगा 6:7 से। यहाँ पर देखो 6:7 से माइनस किया, कितना माइनस किया, एक्स को माइनस किया यहाँ पर, तो मिल जाएगा 16:21, यही तो बोला है 16:21, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, बोला है अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 21 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 माइनस एक्स में, और 16 मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 माइनस एक्स में, ठीक है। 21 का मल्टीप्लाई 6 के साथ करेंगे, 126 माइनस का 21x हो जाएगा, 16:7 करेंगे मल्टीप्लाई यहाँ पर, 16:7 करेंगे और फिर 16x भी करेंगे। अब बात आती है यहाँ पर, मैंने यहाँ पर जो टेबल वाली बात बोली थी वो टेबल वाली बात आती है कि टेबल हमें याद करने ही पड़ेंगे, टेबल जिसको याद नहीं है उसके लिए प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी देखो ट्रिक से तो मैं कराऊंगा ही, ट्रिक से तो मैं कराऊंगा ही। अब देखो 16:7 करना है तो 112, ये तो अपना 112 माइनस का 16x बन जाएगा, मगर देखो टेबल याद करना ज़रूरी है, तो 16 के लिए मैं क्या करता हूँ कि सारे के सारे बेसिक के लिए कोई अलग क्लास नहीं बनाने वाला हूँ। मैंने कहा साथ साथ में जहाँ जहाँ बेसिक्स आता जाएगा मैं उसके लिए कराता जाऊँगा, छोटी मोटी चीज़ें हैं अब अलग से वापस छोटी क्लास में थोड़ी जाएंगे हम उसके लिए, ठीक है। तो ये मैंने 5 कॉलम्स बना लिए, 1, 2, 3, 4, 5 और ये कर दिया। अब इसमें क्या करो, 8 का टेबल लिखना शुरू करो, ठीक है, दिख रहा है ना, इसको भी 5 कॉलम्स, ठीक है। अब यहाँ से क्या करो, जैसे 8 दे रखा है तो 9, 10, 11, 12, फिर 12 को रिपीट करो, 13,
14, 15, 16, यहाँ से पीछे से लिखना शुरू कर दो, 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8 हो गया ही, 8, 0, 2, 4, 6, 8, क्या करो, मार्क करना शुरू कर दो यहाँ से, 16 से, 16, एक एक छोड़ते जाओ, इसे छोड़ो, और ये 16 का टेबल बन गया, क्या बन गया 16 का टेबल, 16, 32, 48, 64, 80, और 96, 112, 128, 144, 160, ठीक है। तो ये 8 के टेबल से ही बना है बस, 8, यहाँ पर भी 8 में 8, यहाँ मैंने 80 में 8 जोड़ा है, प्लस ऐड किया, इसमें 8 जोड़ा, फिर इसमें 8 ऐड किया, वही तो किया है, ठीक है, बीच में से उठा के मैंने चीज़ों को रख दिया है, 16 का टेबल हो गया। अब देखो मेरी बात समझो, यहाँ पर 16 इंटू 7 करने को कहा था, 16 इंटू 7 करने को कहा था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 1, 2 आ गया, ठीक है, तो ये 1, 1, 2 माइनस 16x हो गया। अब क्या कर लूँगा, इसे हटा देता हूँ, गौर से समझो क्या करेंगे, मैं 126 को यहीं रहने देता हूँ, 112 को इधर ले आया, तो 112 112 इधर आ जाएगा, 21x उधर जाएगा, तो 21x माइनस का 16x हो जाएगा, ठीक है, ये 5x हो गया, सॉरी ये 5x हो गया, और ये 14 आ जाएगा, तो x 14 अपॉन 5 करके आ गया। अब इसके ऑप्शन देखते हैं, इसके ऑप्शन कह रहे हैं, ऑप्शन है इसके, ऑप्शन है 5, 4, 3, 2, ऑप्शन है 5, 4, 3, 2। अब इसका आंसर अगर मैं काट के देख रहा हूँ तो ये तो 2.8 आ रहा है, क्या 2.8 यहाँ पर है, नहीं है, 2.8 किसके नियरेस्ट है, 3 के, इसलिए 3 आंसर है। अप्रोक्सीमेशन भी आगे सीखेंगे, इसे भी नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, जरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन लिखना शुरू करो। अ मैन लीव्स 8600 टू बी डिवाइडेड अमंग 5 सन्स, 4 डॉटर्स एंड 2 नेफ्यूज, इफ ईच डॉटर रिसीव्स 4 टाइम्स एज मच एज ईच नेफ्यू एंड ईच सन रिसीव्स 5 टाइम्स एज मच एज ईच नेफ्यू, हाउ मच डज ईच डॉटर रिसीव्स। एक व्यक्ति अपनी 8600 की धनराशि को 5 पुत्रों, 4 पुत्रियों, 2 भतीजों में बांटता है, यदि प्रत्येक पुत्री प्रत्येक भतीजे से 4 गुना धन प्राप्त करे और प्रत्येक पुत्र प्रत्येक भतीजे से 5 गुना धन प्राप्त करे, तो प्रत्येक पुत्री का हिस्सा ज्ञात करें, ठीक है, प्रत्येक पुत्री का हिस्सा ज्ञात करना है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इसमें डॉटर और निफ्यू का कितना दे रखा है कि 1, अगर निफ्यू 1 है तो डॉटर उसकी 4 टाइम्स है, यही तो बोला है, और क्या कि सन और निफ्यू का देखें, तो सन अगर 1 है तो निफ्यू अगर 1 है तो सन 5 टाइम्स दे रखा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको इस ऑर्डर में लिख लूं कि डॉटर हो गया, सन हो गया, निफ्यू हो गया, तो डॉटर 4 हो गई, ये इनका रेशियो हो गया। अच्छा, अब इन्होंने कितनी कितनी बेटा बेटियां वगैरह वगैरह हैं, देखो पढ़ो जरा क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 5 पुत्र हैं, 5 पुत्र हैं, 4 पुत्रियां हैं, 2 भतीजे, 5, 4, 2, तो ये तो 4 हैं,
पुत्र पाँच हैं और ये दो हैं, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये 16 हो गया, ये 25 हो गया और ये 2 हो गया, ठीक है। कितनों में बांटना है, कितनों में बांटना है, 8600 में बांटना है। अच्छा, इसको ऐड करते हैं तो 16 प्लस 25 प्लस 2 कितना हो जाएगा, ये 43 हो जाएगा, इसके इक्वल रखा जाएगा। इनका ये आ रहा है, हमारा तो ये आ रहा है, हमारा 43 ऐड होके आता है, इनका तो 8600 ही है। एक काम करते हैं, इसको वन लो, ये वन यूनिट हुआ, तो वन यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 200 हो गई, 200 ही। अब इन्होंने कितना पूछा है, पुत्री डॉटर का पूछा है, डॉटर में पूछा है, तो क्या करूँगा मैं, 4 में मल्टीप्लाई करूँगा, तो 4 × 200 यानी कि 800 आंसर हो गया। नोट कर लो इसे, नोट डाउन करो। तो ये क्वेश्चन क्या था, हर्ष इज 40 इयर्स ओल्ड एंड ऋतु इज 60 इयर्स ओल्ड, हाउ मेनी इयर्स एगो वाज द रेशियो ऑफ देयर एजेस, 3:5। इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करते हैं, ये टेबुलर फॉर्म तैयार करना, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। टेंसेस तो पता होंगे ना, फ्यूचर के लिए विल, शैल, प्रेजेंट में इज आ जाता है, आर आ गया, और ये वाज हो गया। इंग्लिश कहाँ से सिखाने लगा, मैथ पढ़ाते पढ़ाते सोचा इंग्लिश भी सिखा दूँ थोड़ी सी, आप सबको वैसे आती ही है इंग्लिश। अच्छा, इसके लिए अगो वर्ड यूज़ करते हैं, आफ्टर। तो क्वेश्चन में क्या पूछा आप ज़रा देखते हैं, क्वेश्चन बोलता है कि हर्ष इज 40 इयर्स ओल्ड एंड ऋतु इज 60 इयर्स ओल्ड, हर्ष है, ऋतु है, हर्ष कितना ईयर्स ओल्ड है, 40 ईयर्स, ऋतु कितना ईयर्स ओल्ड है, 60 ईयर्स। आगे बोलते हैं कि हाउ मैनी ईयर्स अगो, कितने साल बाद, कितने साल पहले वो 3:5 थी, 3:5 थे, कितने साल पहले 3:5 थे। क्वेश्चंस में क्या है, हर्ष और ऋतु को मैंने लिखा 3:5, अब देखते हैं 40, 60, देखें इसमें डिफरेंस देखो कितना क्या है, 20 का डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस देखो 2 का डिफरेंस है, अच्छा इसमें 20 का डिफरेंस है, इसमें 2 का डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करो इसमें 10 का मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि इसे 20 बनाना है, इसे 20 है तो 20 बनाना है, 20 डिफरेंस बराबर करने होते हैं, डिफरेंस बराबर करने तो 10 का मल्टीप्लाई किया, 20 हो गया, इसमें भी 10 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी 10 का मल्टीप्लाई कर दो, तो हर्ष और ऋतु कितना हो गए, 30, 50 और ये हो गया 40, 60, 40, 60। अब देखो इनमें अंतर देखो कितने का हो गया और इसमें अंतर देखो कितने का हो गया, 10, 10, ठीक है, तो कितने साल बाद हुआ ऐसा, कितने साल बाद डिफरेंस बराबर हो गया, 10 साल बाद, ठीक है, यही आंसर हो गया, 10 ईयर्स, आंसर क्या हो गया, 10 ईयर्स। क्या हुआ था दोबारा देखो, 3:5, 40, 60, डिफरेंस कितने का, 20 का, यहाँ पर 2 का डिफरेंस, बराबर करना है तो 10 का मल्टीप्लाई किया, इसमें भी 10 का मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर भी 10 का मल्टीप्लाई करो, तो कितना आ गया, 30, 50 और ये था 40, 60। जरा डिफरेंस देखो, अब इन इधर देखो डिफरेंस, कितना डिफरेंस है, 10 का, तो कितने साल बाद इन दोनों का अंतर बराबर हो गया, यानी 20, 20 हो गया, कितने बार डिफरेंस, 10 साल बाद, तो 10 साल इसका आंसर है, 10 ईयर्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे,
फोर ईयर्स अगो द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी वॉज 2:3 एंड आफ्टर फोर ईयर्स अगो इट विल बिकम 5:7 फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। ठीक है, जो मैंने अभी सिखाया है कि टेबुलर फॉर्म तैयार कर लेना है, सबसे पहले टेबुलर फॉर्म तैयार कर लो इसका। कर लो टेबुलर फॉर्म जो लोग कर चुके हैं। इंक ख़त्म है इसमें, दूसरा इंक का डिब्बी दो। टेबुलर फॉर्म तैयार करो इस। पहले वाले में क्या, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कह रहे हैं कि फोर ईयर्स अगो जो ए बी थे उनकी वैल्यू कितनी थी, उनका रेशियो था 2:3 और कितना, फोर ईयर्स अगो था कि फाइव ईयर्स अगो, फोर ईयर्स अगो। ठीक है, और फोर ईयर्स बाद, चार साल पहले और चार साल बाद, चार साल बाद कितना था, 5:6 यही था, क्या था, 5:6 5:7 2:3 5:7 है, 5:7 5:7 था अंतर, यही अंतर था। ठीक है, ठीक है, अब क्या करेंगे, अब चला चेक करो, लिख लिया, अब इसमें डिफरेंस चेक करो, 2 और 3 में डिफरेंस है 1 का, इसमें डिफरेंस है 2 का, तो इसे भी अगर 2 बनाने के लिए मैं इस पर 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई किया जाएगा, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा, ए हो गया 4, बी हो गया 6 और फ्यूचर में कितना है, 5 और 7। ठीक है, अब एक बात बताओ, 4 और 7 में डिफरेंस कितने का है, यानी अब यहाँ 4 आ गया ना, 4 यहाँ आ गया 7। ठीक है, इसे मिटा दूँ, मिटा दिया, 4 और 6 ठीक है, तो अगर देखेंगे यहाँ से यहाँ 4 और 5 में कितना डिफरेंस है, 4 और 5 में कितना डिफरेंस है, 1 डिफरेंस है, 6 और 7 में कितना डिफरेंस है, 1 है। अब चेक करो, 4 और 5 में 1 डिफरेंस है, ज़रा पास्ट से फ्यूचर में देखो, पास्ट से फ्यूचर में कितना डिफरेंस है, 4 4 8, यानी पास्ट से जब फ्यूचर तक जाना है तो 8 आ रहा है यहाँ पर, जबकि यहाँ पे मैं 4 से जब 5 तक जा रहा हूँ, 4 जो पास्ट में थी, 5 जो फ्यूचर में थी जा रहा हूँ, तो 1 आ रहा है, यानी मेरा 1 आया और इनका 8, तो 1 यूनिट की वैल्यू 8 आ गई है, आ गई। अब इन्होंने क्या पूछा है, प्रेजेंट में क्या एज है उनकी, तो एक काम करते हैं, फ्यूचर वाली में किसी में भी मल्टीप्लाई कर लो, फ्यूचर में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 5 × 8 फ्यूचर की एज ए की, और बी की फ्यूचर की एज 7 × 8 ये हो गया, कितना आ गया, ये 40 हो गया, ये 56 हो गया। अब एक काम करते हैं, मैं अगर प्रेजेंट में आना है, फ्यूचर 4 साल पहले फ्यूचर था, तो 4 साल पहले आओ, 4 साल पहले आओ, यानी 4 माइनस करो यानी 40 माइनस 4 56 माइनस 4 कितना आ जाएगा, ये 36 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा, ये हो गया आंसर। नोट कर लो इसे और अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे देखो, सॉल्व करने की कोशिश करो, लिख लो अगला क्वेश्चन भी करो। अगला क्वेश्चन कहता है कि द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 10:7 एंड द डिफरेंस इज 105, द सम ऑफ दिस नंबर्स इज, तो कितना, रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 10:7 दे रखा है, रेशियो और कह रहे हैं कि कहते हैं देयर डिफरेंस इज 105, उनका डिफरेंस है 105, दो नंबर दे रखे हैं 10:7 और उनका डिफरेंस है 105, 10:7 है, अगर मैं इनका डिफरेंस देखूं तो कितना है, 3 है, अरे मेरा तो 3 है,
अरे मेरा डिफरेंस तो 3 है, उनका 105 दे रखा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने डिफरेंस को उनके डिफरेंस के बराबर रख दूँगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू आई 35। अब 1 यूनिट की वैल्यू 35 आ गई है, मुझे क्या निकालना है, सम सम निकालना है। तो 10 और 7 कितने हो जाते हैं, अगर मैं 10 और 7 जोड़ता हूँ तो कितने आ जाएंगे, 17। 17 यूनिट का कितनी वैल्यू आ जाएगी, यानी 17 में मल्टीप्लाई कर दूंगा किसका, 1 यूनिट की वैल्यू 35 है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 35 है तो 17 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 35 कितनी आ जाएगी, 17 × 35 करके देखो कितनी आ जाएगी। तो मल्टीप्लाई करो 17 × 35, 565। सॉल्व कर लो इसे, लिख लो इसे। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन क्या है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:7। तो सबसे पहले क्वेश्चन धीमे धीमे पढ़ते जाएंगे, टू नंबर्स इन द रेशियो 5:7, तो 2 नंबर्स, तो 5:7 दो नंबर हो गए। आगे क्वेश्चन पढ़ो, आगे फिर क्या कहता है आगे क्वेश्चन, फिर आगे क्वेश्चन में थोड़ा बहुत धीमे धीमे आगे बढ़ो। अब धीमे से आगे बढ़े तो बोलते हैं, ऑन डिमिनिशिंग ईच ऑफ देम बाई 40, दोनों में से 40 माइनस कर दूंगा। अब ये तो फ्रैक्शन दे रखा है, फ्रैक्शन को नंबर यानी एक्स का मल्टीप्लाई करो, माइनस का 40, माइनस का 40, ऑन डिमिनिशिंग, डिमिनिशिंग मतलब माइनस करना, डिमिनिशिंग मतलब क्या करूँगा, माइनस करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया मैंने, -40 दोनों में से माइनस 40 कर लिया दोनों में से। आगे बढ़ते हैं, आगे और थोड़ा सा क्वेश्चन को और आगे बढ़ते हैं धीमे धीमे, क्या करें क्या कहते हैं कि हाँ, दे बिकम इन द रेशियो 17:27, दे बिकम मतलब दे बिकम इक्वल्स टू, ये है दे बिकम, वो बन गए, क्या बन गए, 17 अपॉन क्या बन गए, 17 अपॉन 27, क्या बन गए, 17 अपॉन 27। 17 अपॉन 27, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स की वैल्यू निकालो, उसके बाद उन्होंने इन्होंने पूछा है द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स, द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स इज, डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स इज, डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स इज, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें इसका मल्टीप्लाई करो, 27 × 5x माइनस का 40, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है, यानी इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हुआ है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ हुआ है, इक्वल्स टू यहाँ आ गया 17 × 7x माइनस का 40 आ गया, ठीक है। 27 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले तो आ जाएगा 135x माइनस का इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 1080 इक्वल्स टू 17 का मल्टीप्लाई 7 में करो तो आ जाएगा 119x करके हो जाएगा, ये हो जाएगा 119x माइनस का 40, यानी 17 का मल्टीप्लाई 40 के साथ करो कितना आ गया, 468 हो गया, यानी कि 680 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो x वाले टर्म्स हैं उनको एक तरफ ले आओ, 135x माइनस का 119x इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ, यानी कि 1080 प्लस माइनस का 680। इस सबसे पहले इसे सॉल्व करो, आराम से सॉल्व करो, अब तो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये 400 हो गया, ये हो गया 16x, तो x इक्वल टू कितना होगा, ये उधर जाएगा 400 अपॉन 16 ही हो जाएगा 25, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 25। अब इन्होंने क्या पूछा है, देयर डिफरेंस यानी क्या थे हमारे, एक था 5x, एक था 7x, ठीक है, 5 और 7 थे बेसिकली, तो 5 और 7 माइनस कर, अगर मैं 7x में से 5x जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2x, यही तो डिफरेंस है उनका, डिफरेंस तो ये है ना, डिफरेंस ही तो बोला, डिफरेंस बताना है, डिफरेंस अंतर बताना है, अंतर बताना था, तो 2x यानी कि 2 × 25 जब करूँगा तो कितना आ जाएगा, 50 आंसर हो जाएगा। नोट कर लो इसे, अगला क्वेश्चन है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो
चलो क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई कर लो, जो इन्होंने रेशियो दे रखा है, इन्होंने क्या रेशियो दे रखा है, सिंप्लीफाई कर लिया। अब क्या बोल रहे हैं, व्हेन ईच ऑफ दीज इज इंक्रीज्ड बाय 15, अगर ये दोनों के दोनों 15 इंक्रीज कर दिए जाएं, ठीक है, दे बिकम रेशियो, ये नया रेशियो बन जाएगा इनका, ठीक है। एक चेक करते हैं, सबसे पहले जो नया रेशियो बनेगा उसको भी यहाँ सिंप्लीफाई कर लो, जो नया रेशियो बनेगा, ठीक है, कितना इंक्रीज करना है दोनों को, दोनों को इंक्रीज करना है, दोनों को इंक्रीज करना है 5। तो पहले इसे और सिंपल करो ताकि ये इंक्रीज करने लायक बने। देखो इसके क्या करेंगे हम, दोनों का एलसीएम लेंगे, नीचे डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना बन जाएगा, 6 एलसीएम बन जाएगा। तो यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी किया जाएगा और 6 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी किया जाएगा, तो 2 3 6 हो जाएगा, क्या 3 3 9 हो जाएगा, ऊपर 3 3 9, यहाँ पर 3 2 6 हो जाएगा, 8 2 16 हो जाएगा, 8 2 16 हो जाएगा, ठीक है, 9 और 16 आ गए। अब 9 और 16 आ गए, अब आगे इसके अंक करते हैं, ठीक है, सबसे पहले नोट कर लो इतना, तब आगे इसके अंक फिर करते हैं। हो गया, तो कितना यहाँ पर, इसे मैं रब कर रहा हूँ, नोट कर लिया होगा, तो 9:16 आया, तो 9/16 कितना ऐड प्लस ऐड करना था, 15 15 दोनों में ऐड होके क्या बन जाना था, 5/3/5/2 बन जाना था, x क्योंकि ये रेशियो है, कर दिया। अब क्या होगा, ये कितना बन जाएगा, 9x+15/16x+15=, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 5×2/3×5, ठीक है, कितना आ गया, 9x+15/16x+15=10/15 10/15 आ गया। करो करो आसानी से करो, नोट करो इसे। आगे करें तो 2/3 से सिंपल और करो, यानी 9x+15/16x+15=2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें, यानी 3×9x+15=2×, यहाँ पर 16x+15 कर दो। इतना कर लो, एक्स वाली टर्म्स को इधर ले आओ, एक काम करो, 45-30=32x-27x, इसको माइनस करो, कितना है यहाँ पर, 5x=15, तो x की वैल्यू कितनी आई, x=3 आ गया। इन्होंने पूछा क्या क्वेश्चन में, क्वेश्चन ने पूछा है स्मॉलर नंबर और ग्रेटर नंबर बताने हैं, तो स्मॉलर नंबर कितना, 9 वाला स्मॉलर था, तो 9×5 कर दो,
और ग्रेटर में 16, 16 इंटू 5 कर दो, निकल आएगा। सॉल्व करो इसे, निकल आएगा कितना आएगा, 27 और 48 आंसर आ गया। अगला अगला करो। ओ सॉरी, 5 नहीं 3, एक्स 3 आया है, 3 आया है, 3 का मल्टीप्लाई किया है, ये गलती से 5 लिख गया था, तभी तो 27 48 आया, 5 कैसे आ जाता। करो इसे, नोट कर लो, अगला क्वेश्चन करेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी क्या चीज़ है, भगवान ने सारी चीज़ें बड़ी रेशियो में बना के भेजी हैं, फिक्स रेशियो में। ज़िंदगी में कुछ खा पी भी रहे हैं वो भी एक रेशियो प्रोपोर्शन में ही भेजा है, ना ज़्यादा खा सकते हो ना ज़्यादा पी सकते हो। चीनी थी, चीनी जिसके हिस्से में जितनी थी उसने ज़्यादा खा ली तो उसके दांत ख़राब हो गए, डायबिटीज़ बढ़ गई, कुछ ना कुछ हो जाता है। यानी हर चीज़ फिक्स अमाउंट में रेशियो प्रोपोर्शन में ही भेजी है भगवान ने। इंसान को बनाया भी रेशियो प्रोपोर्शन में, टांगें और ज़्यादा लंबी हो जाती तो क्या होता, पेट और छोटा कर देते तो, हाथ और छोटे कर देते तो अजीब से और लगने लगते। सारी चीज़ें बड़ी रेशियो प्रोपोर्शन में बनाई हैं भगवान ने, ठीक है। अब भगवान ने तो सारी चीज़ें रेशियो प्रोपोर्शन में बनाई हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी थोड़ा बहुत रेशियो प्रोपोर्शन हम भी सीख लें। ऐसे ही समाज में क्या रहता है, सारी चीज़ें अगर समान रेशियो प्रोपोर्शन में रहें तो अच्छी रहती हैं। कुछ चीज़ें अगर ज़्यादा बढ़ जाती है ना तो समाज का बैलेंस भी बिगड़ जाता है। नफ़रतें ना बेचो, नफ़रतें ना बेचो, ना देखो फलाना जात क्या है, प्रेम देखो प्रेम, प्रेम का अनुपात समानुपात क्या है, ठीक है। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द स्टूडेंट्स ऑफ थ्री क्लासेस आर इन द रेशियो 2:3:5, इफ द 20 स्टूडेंट्स आर इंक्रीज इन ईच क्लास द रेशियो चेंजेस टू 4:5:7, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आसानी से बन जाएगा। सबसे पहले ए रेशियो बी रेशियो 5 लिख लेंगे, ए रेशियो बी रेशियो 3 लिख लेंगे, और उसमें सबसे पहले ओरिजिनली वाला बताएंगे, बाद में कितना बन गया ये देखेंगे, फिर जो उसमें डिफरेंस आया है उसको चेक करेंगे, और जो इन्होंने डिफरेंस बताया उसके इक्वेट करेंगे, इससे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चेक करते हैं जो मैंने बताया अभी ओरली, उस चीज़ को समझो जरा। सबसे पहले क्या इन्होंने, जो इन्होंने बोला कि 2, 3, 5 थे, इंक इंक दो, द स्टूडेंट्स कितने थे हैं 2, 3, 5 थे, और सब 20 20 इंक्रीज हो गए, सब में 20 20 इंक्रीज हो गए, तो 4, 5, 7 बन जाते हैं। 2, 3, 5 थे, 2 थे, 3 थे, 5 थे, और कितना बन गया, कितना 4, 5, 7 बन गए। ये थे ओरिजिनल, ये थे पहले, ये थे, ठीक है, और बाद में ये बन गए, बाद में, ठीक है, आफ्टर ये बन गए। तो ज़रा देखें इसमें कितना अंतर है, यहाँ पर 2 का अंतर है, यहाँ 2 का अंतर है, यानी 2 का अंतर है, यानी 2 जुड़े हैं, इसका मतलब 2 ऐड हुए हैं, 2 ऐड हुए हैं। मुझे तो ये पता चला 2 ऐड हुए, हमारे अनुसार तो 2 ऐड हुए हैं, उनके अनुसार क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन कह रहा है कि 20 20 इंक्रीज हुए हैं, 20 20 ऐड हुए हैं, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई, ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू 10 आ गई। अब एक यूनिट की वैल्यू 10 आ गई, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, आगे क्वेश्चन कहता है, आगे क्वेश्चन कहता है कि द रेशियो चेंजेस टू 4, 5, ओरिजिनली द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाज, ओरिजिनली ओरिजिनली यानी पहले कितने थे टोटल, तो 2 थे, 3 थे, 5 थे, इनको ऐड कर लेना है, मगर ये यूनिट्स ये रेशियो में थे, मैं मुझे चेंज करना है यूनिट से, मल्टीप्लाई करते जाओ, 1 यूनिट की वैल्यू 10 है तो 2 यूनिट की वैल्यू 20 होगी, 3 यूनिट की वैल्यू 30 होगी, 5 यूनिट की वैल्यू 50 होगी, तो 50 30 और 20 हो गए, कितना हो गया 100। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन भी करते हैं। जिंक और कॉपर आर इन द रेशियो 5:3 इन द 200 ग्राम ऑफ एलॉय, हाउ मच ग्राम्स ऑफ कॉपर वी एडेड टू मेक द रेशियो एज 3:5। बहुत अच्छे, आसान क्वेश्चन है, ध्यान दो। सबसे पहले जिंक और कॉपर, ये क्वेश्चन नोट कर लिया, नोट कर लिया, नोट कर लो पहले,
तो इस क्वेश्चन को भी करते हैं। जिंक एंड कॉपर आर इन द रेशियो 5:3 इन 200 ग्राम ऑफ एलॉय। 5:3 दे रखा है इन 200 ग्राम ऑफ एलॉय। हाउ मच ग्राम ऑफ कॉपर वी एडेड टू मेक द रेशियो एज 3:5। 3:5 बनाने के लिए कितना एडेड करना है कॉपर 3:5 बनाने के लिए। ठीक है, सबसे पहले देखो 5:3 दे रखा है, 5:3 टोटल दे रखा है 200। टोटल कितना दे रखा है 200। टोटल दे रखा है 200। टोटल दे रखा है 200। तो अगर मैं इसका टोटल करता हूँ तो मेरा तो 8 आ रहा है, 8 आ रहा है, यानी कि मेरा तो 8 आ रहा है और इनका 200 ग्राम टोटल दे रखा था। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 25। अब इन्होंने जो पूछा है वो देखते हैं। अब इन्होंने पूछा है हाउ मच ग्राम्स ऑफ कॉपर बी एडेड टू मेक द रेशियो एज 3:5। अच्छा, वैसे जिंक और कॉपर दे रखा था, ये जिंक था ये कॉपर था। सबसे पहले इसको जिंक और कॉपर 5:3 थे, यानी 5 × 25 125 आ गया, 3 × 25 यानी 75 आ गया। तो आप देखो रेशियो किस तरीके से बनेगा, ये 125/75 करके लिख लो, लिख लो। जिंक ऊपर है, कॉपर नीचे है, ठीक है। किस में ऐड करने को बोल रहे हैं, कह रहे हैं कॉपर कितना ऐड कर दें, यानी कॉपर में ऐड करना है, सॉरी 75 है ही, कॉपर में ऐड करना है। कॉपर में कुछ ऐड कर दिया यानी एक्स ऐड कर दिया, इक्वल्स टू, ठीक है, एक्स ऐड कर दिया, ठीक है, 75 + x, ठीक है। कितना बन जाना चाहिए रेशियो, बन जाना चाहिए रेशियो 3:5 बन जाना चाहिए, 3:5 बन जाना चाहिए। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो, यानी कितना हो जाएगा ये 5 × 125 के साथ, यानी 625 इक्वल्स टू 3 का मल्टीप्लाई 75 के साथ करेंगे और ये 3x, ठीक है। अब इधर उधर कर लो वैल्यू को, इसे ले आओ 625 माइनस का 225 इक्वल्स टू 3x, कितना हो जाएगा ये 400 इक्वल्स टू 3x। 3 नीचे जाएगा तो 400/3 इक्वल्स टू एक्स, एक्स का वैल्यू आ गया 400/3। ये दिख तो रहा है ना, नोट कर लो, सब सीख जाओगे, एक एक चीज सीख जाओगे, टेंशन ना लो। आ गया तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया 400/3। इसके ऑप्शंस देखो क्या हैं, ए बी सी डी, चार ऑप्शन जल्दी जल्दी देखो क्या ऑप्शन है। ऑप्शन इसके गिवन है, ऑप्शन इसके गिवन है 130, पहला ऑप्शन है 133 और 1/200 और 7/2 और 6/6। आंसर कितना होगा 3 से 400 को डिवाइड करेंगे, ये आंसर हो गया। तो इसी के साथ ये क्लास खत्म करते हैं। जो नए लोग हैं, जो पहली बार चैनल देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब करें और बाकी सबको ये चैनल शेयर करें। बाकी आप सब लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा, कौन सा वीडियो, नौकरी कैसे मिलेगी, उसको देखिए और पता कीजिए इस चैनल का मकसद क्या है, क्या ये चैनल बाकी चैनल्स की तरह ही है, नॉर्मल है,
जो सिर्फ अपना चैनल ग्रो करना चाहता है, ये चैनल भला चाहता है बाकी सारी हमारी जो यंग जनरेशन है उसके लिए, तो उस वीडियो को देखिए और समझिए हमारा मेन एम क्या है। अगर हम कदम से कदम मिला के साथ चलेंगे तभी सफल हो पाएंगे। ज़माना बहुत आगे बढ़ चुका है, हमें सरकार के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, ठीक है? तो फिर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।